वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, सब जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भारत में जो प्रतिनिधित्व की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व को लेकर उन्होंने भारतीय संविधान में रिजर्वेशन का हक अधिकार दिया, इस संदर्भ में हम आज का टॉपिक हम रख रहे हैं। और इस विषय पर जो भारत के अंदर में जो बाबा साहब ने संविधान में 10 साल के लिए रिजर्वेशन की समय सीमा रखी थी, और इस समय सीमा को लेकर आजादी के आज 70 सालों के बावजूद भी रिजर्वेशन को एक रबड़ की भांति लंबा खींचा जाता रहा है राजनीतिक नेताओं के द्वारा, और इस संदर्भ में समय समय पर सामान्य वर्ग के लोगों ने इस पर अभियान भी चलाया कि इसको खत्म किया जाए। तो मैं इस सवाल को लेकर संतोष साहू जी के पास पहले जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, पहले तो रिजर्वेशन और प्रतिनिधित्व क्या है, इस संदर्भ में अपनी परिभाषित करते हुए बताएं। सभी साथियों को जय मूल्यवासी। माननीय जगदीश जी, भाई साहब, मानवता चैनल के माध्यम से जो जिस विषय पे आप अपने बात आज रखे हैं, वो भारत में एक बहुत विवादित मामला लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, और ऐसे परिस्थितियों में ये इस विषय पे चर्चा करना बहुत खास बात रहेगा। और जैसा कि आपका सवाल है कि भारत में जो प्रतिनिधित्व है और रिजर्वेशन है, ये दोनों एक है या अलग है, मेरे ख्याल से ऐसा आपका सवाल है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में वर्ण व्यवस्था ही आरक्षण व्यवस्था का जनक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो व्यवस्था ब्राह्मणवादियों के द्वारा बनाया गया, उनके वजह से ही इस देश में आरक्षण की व्यवस्था आई। ब्राह्मण को 4 अधिकार, जो मौलिक और बड़े अधिकार थे, पढ़ना, पढ़ाना, हथियार रखना, धन भी रख सकते थे वो। उन्होंने क्षत्रियों को 3 अधिकार बहाल किए थे कि कोई भी क्षत्रिय गुरु नहीं बन सकते, वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, हथियार। साहू जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। इसके आगे जो बात है, शायद मेरा नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब है, इसके आगे जो आवाज आ रही है। हाँ, वैश्य वर्ण व्यवस्था में तीसरे पायदान पे जो वैश्य हैं, उनको वर्ण व्यवस्था में 2 अधिकार बहाल थे कि वो आना पाई पढ़ सकते हैं और धन रखेंगे, कोई भी वैश्य हथियार नहीं चला सकता है और वो गुरु नहीं बनेंगे। ये बहुत लंबे समय तक भारत में रहा। और चौथे नंबर पे जो भारत के बहुजन मूल निवासी, उनको शूद्र वर्ण में रखा गया, और शूद्रों को 4 अधिकार से वंचित कर दिया गया था वर्ण व्यवस्था में। ना कोई शूद्र पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है, ना धन रख सकता है, ना हथियार चला सकता है। इसके ब्राह्मण धर्म साहित्य में बहुत सारे उदाहरण है। जैसे एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण हो गए तो उनका अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य जी के द्वारा मांग लिया गया, गुरु दक्षिणा के नाम पे। हालांकि गुरु द्रोणाचार्य जी उनको धनुर्विद्या नहीं सिखाए थे, फिर भी उनको अंगूठा शूद्र वर्ण होने के कारण देना पड़ा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वर्ण व्यवस्था ही भारत में आरक्षण व्यवस्था का जनक है। अब भारत में, अभी जैसा आपने कहा कि भारत में आरक्षण 10 साल के लिए था, ये बात बड़ा विवादास्पद है जानकारी के अभाव में। भारत में 4 तरह से आरक्षण है, 4 आरक्षण है। एक तो शिक्षा में आरक्षण है, दूसरा जो शिक्षित हुए उनको नौकरियों में आरक्षण है, फिर तीसरा जो है जो नौकरियों में आ गए उनको प्रमोशन में आरक्षण है, और चौथा जो बहुत खास आरक्षण है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 330, 332, 334 में है, वो राजनीतिक आरक्षण है। भारत में राजनीतिक आरक्षण महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए प्रावधान किए थे, ऐसा जन चर्चा है। पर बाबा साहब जब राजनीतिक आरक्षण के कारण एक चौथी फेल, चौथी पांचवी पास आदमी से
जब वो चुनाव में हार गए तो उनको समझते देर नहीं लगा कि हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को, हमारे ही लोगों को पैसे के दुरुपयोग से खड़ा किया जाएगा, पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा, और जो वास्तविक प्रतिनिधित्व है वो संसद में विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे ही लोगों से हमारे ही लोगों के अधिकारों का हनन कराया जाएगा। ये बात बाबा साहब को समझते देर नहीं लगी और पहला संसद के गठन के बाद महामानव भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मेमोरेंडम दिए कि राजनीतिक आरक्षण को भारत से समाप्त होना चाहिए। तो भारत में चार तरीके का आरक्षण है, इसको एक साथ मिला के बोलना कि भारत में आरक्षण 10 साल के लिए था बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात सही है कि शिक्षा और नौकरी का आरक्षण भारत के मूल अधिकार में जोड़ा गया, वो भी जब संविधान सभा के सदस्यों को जब संसद में सदस्यता मिली और 6 साल तक रहे, उस समय मद्रास राज्य के एक सामान्य वर्ग के आदमी के द्वारा आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है कि हम भारत के लोग हैं, सबको समान अधिकार है, और वो इस बात को लेके मद्रास हाई कोर्ट गए थे और वो जो केस है अन्ना दोराई और चपक्कन का, तो उसमें चूंकि जो केस लेके गए, जो केस फाइल किए वो समान वर्ग से थे और हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दे दिया गया कि हाँ ये इनका बात बराबर है, और उस समय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कानून मंत्री थे और दक्षिण भारत में पूरा आंदोलन शुरू हो गया। उस समय ईवी रामास्वामी पेरियार जीवित थे, वो आंदोलन बहुत तेजी से फैलने लगा। तो ये बात को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से राय सलाह किए कि इसको कैसे रोका जाए, तो बाबा साहब ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को सलाह दिए कि चूंकि ये जिस वर्ग के लिए है उनके द्वारा ये केस फाइल नहीं किया गया, समान वर्ग के द्वारा किया गया है, और अब अगर भारत में आरक्षण को बचाना है, प्रतिनिधित्व को बचाना है, तो इसको भारत के मौलिक अधिकार में जोड़ना होगा, और बाबा साहब के विद्वता के कारण 15-4, 16-4 के रूप में इसको जोड़ा गया। ये इस तरीके से भारत में जो आरक्षण है, एक्चुअल भारत के संविधान के 395 धारा 12 अनुसूची और 22 भाग कहीं भी आरक्षण शब्द नहीं है, प्रतिनिधित्व का मामला है। ये प्रतिनिधित्व है जो हमको संख्या के अनुपात में इस देश में चाहिए, हमको किसी का दया नहीं चाहिए, कोई हमें भीख ना दे, कोई हमारे ऊपर रहम ना करे, हमारी संख्या जिस वर्ग में जितना है उतना हमको भारत के समस्त संसाधनों पे हिस्सेदारी चाहिए, ये हमारा प्रतिनिधित्व का मामला। जी जी जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। चूंकि भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति धर्म के लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को उनके हक अधिकार के लिए ये रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ है, मैं बिजन सिंह जी के पास जाना चाहूंगा कि इस जो महत्वपूर्ण विषय को लेकर उन्हें एक लंबा अनुभव भी है और आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, रिजर्वेशन का जो हक अधिकार मिलना चाहिए था, वो आज भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम उच्च पदस्थ जितने भी बड़े बड़े पदों पे देखें तो हमारे वर्ग के लोगों को उन जगहों पे, उन पद स्थापना पे पहुंचनी चाहिए थे, उतने ना हो करके आज भी उच्च पदों पर 75% से ऊपर सामान्य वर्ग के लोगों की पदस्थापना देखी जा सकती है। मैं इस संदर्भ में बिजन सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। बिजन सिंह जी, इस विषय को लेकर आप डिफाइन करें और संतोष साहू जी ने जो अपनी बात रखी है इस विषय पर अपने विचार रखें। हाँ, देखिए संतोष साहू जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो मूल है वो बात सामने आपकी रख दी है। जो हमारा जो देश की सामाजिक व्यवस्था है ये धर्म से जोड़ दिया लोगों ने, इसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं जी। और सीधे शब्दों में ये जातिवाद है और इसमें जो दलित और बैकवर्ड है, बैकवर्ड और जो दलित है वो और जो एससी एसटी हैं वो करीब 80% से ऊपर लोग हैं, उनका पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद था। वेदांत का दर्शन कहता है कि शूद्र चलता फिरता कब्रिस्तान है, पढ़ने लिखने इसको नहीं देना चाहिए। तो ये जब देश आजाद हुआ और अंग्रेजी जमाने में भी ये महसूस किया गया कि अब जब लोकतंत्र जो लोग मांग रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं,
तो क्या ये उन लोगों को आजाद करेंगे जिनको कि हजारों साल से इन्होंने षड्यंत्र करके वंचित किया है? तो इसलिए ये प्रतिनिधित्व का सवाल, भागीदारी का सवाल उठा। तो जो वर्ण व्यवस्था में एक खास बात है, साहू जी का ध्यान नहीं गया होगा कि ये पढ़ाना ब्राह्मण ने अपने हाथ में रखा, बाकी लोगों को जो थोड़ा बहुत दिया लेकिन पढ़ाने का अधिकार किसी को नहीं दिया। क्षत्रिय को भी पढ़ने का अधिकार तो दिया, पढ़ाने का नहीं दिया। तो जो पढ़ाएगा तो नॉलेज को मैनिपुलेट करेगा, इसलिए जो मुख्य बात थी ये देश में मानसिक गुलामी ने घेर लिया। तो उस गुलामी को दूर करने के लिए अंग्रेज बहादुर ने भी ये महसूस किया कि इस देश को सचमुच आजादी चाहिए, जिन लोगों को, तो इस देश के आवाम को भी आजादी चाहिए। तो ये दो रूप में दिया गया, एक भागीदारी जो कि फंडामेंटल राइट के रूप में, और एक भागीदारी वो जो कि पॉलिटिकल भागीदारी, जिसको कि साहू जी ने 330, 332, 334 के बारे में कहा है। जो फंडामेंटल राइट के बारे में है वो आर्टिकल 14 में दी गई। तो जो जैसा कि बताया साहू जी ने, दोराई राजन चंपक्कम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर भी लॉ मिनिस्टर थे, जिंदा थे, और पेरियार रामास्वामी नायकर जो कि एक बहुत बड़े पक्षधर थे सामाजिक न्याय के, वो भी जिंदा थे। तो जब ये दिया गया तो आंदोलन एक तमिलनाडु में शुरू हुआ बहुत बड़ा, और ये पहला हमला था देश के आवाम के ऊपर, उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया गया था, जो कि उन्होंने ये माना, जज साहब ने, कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जब आंदोलन शुरू हुआ तो नेहरू जी ने बाबा साहब को कंसल्ट किया। मैं जहां तक समझता हूँ बिना नेहरू जी के इशारे के नहीं हुआ होगा सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जो भी था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जज साहब कानून को ठीक से नहीं समझते। तो होना तो ये चाहिए था कि उनको रास्ता दिखाना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी ने अमेंडमेंट किया, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है भारत के संविधान में दोराई राजन चंपक्कम के केसेस को लेकर के, आर्टिकल 14 के अंतर्गत इसको फंडामेंटल राइट माना गया। तो इसलिए जो जनप्रतिनिधियों का मामला है वो अलग है, और जो भागीदारी सत्ता में, शिक्षा में, संपत्ति में, वो बिल्कुल अलग मामला है। पॉलिटिकल भागीदारी अलग मामला माना गया है, दोनों को जरा अलग अलग समझ लेना चाहिए। अब समस्या ये है सबसे बड़ी, आज जो भयानक समस्या चल रही है, जो मूल समस्या है वर्णाश्रम धर्म जो जातिवाद है, वो सामाजिक न्याय की समस्या है, और सफर करना पड़ रहा है इसको भारत की माइनॉरिटीज को। सबसे ज्यादा हमले मुस्लिम पर हो रहे हैं, ईसाइयों पर भी हो रहे हैं, और सिखों को भी इसमें नहीं छोड़ा गया है। और ये ध्यान आकर्षित करने, ध्यान हटाने के लिए किए गए हैं, और ये सब समस्याएं जब शुरू हुई हैं, जबकि मंडल कमीशन, मंडल आयोग की रिपोर्ट 31 दिसंबर को आई, तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि 1 जनवरी वो अगले दिन से ही इसका आंदोलन इसके खिलाफ शुरू हो गया था, और दलितों पर गुजरात में हमले हुए थे। इसके बाद में जब इन लोगों ने ये देखा कि बैकवर्ड में चेतना कहीं ना आ जाए, क्योंकि इस जातिवादी व्यवस्था का जो पुलिस मैन है, जो इसका रखवाला बनाया गया है, वो बैकवर्ड क्लास को बनाया गया है, वही लठैत है। अगर लठैत की लाठी पंडित जी के ऊपर घूम गई तो उनकी खोपड़ी बचेगी नहीं। उनको चिंता हुई, उन्होंने इसको कम्युनल रूप दिया। तो आपने देखा होगा गुजरात में जो दंगे हुए हैं भयानक, वो इसके बाद ही शुरू हुए हैं, और इसके बाद ही खालिस्तान वगैरह की जो प्रॉब्लम सिख आज भी नहीं समझते, इसका सीधा संबंध सोशल जस्टिस की प्रॉब्लम से था। वो ध्यान हटाने के लिए पहले तो खालिस्तान की बात की गई, फिर पाकिस्तान की बात की गई, फिर तरह तरह की, फिर ईसाइयों पर हमले किए गए, आप देखिए, फिर रामायण सीरियल चलाया गया, फिर बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया गया, और इन दोनों कामों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मामले में सामाजिक न्याय को डिनाई करने में दोनों एक से एक बढ़ के आगे थी, ये ईमानदारी से हमको स्वीकार। तो ये जो समस्या है सामाजिक न्याय की समस्या है, और इस सामाजिक न्याय की न्याय देने में सबसे ज्यादा सफर माइनॉरिटीज को आजकल करना पड़ रहा है। एक बिशप साहब ने मुझसे लखनऊ में पूछा कि भाई हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हमारे ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं? तो मैंने कहा साहब मांग तो मुसलमान भी नहीं रहे हैं, उनके ऊपर हमले इतने भयानक क्यों हो रहे हैं? रोज दंगे होते हैं उनके खिलाफ। ये जो इशू है ही नहीं, आपकी कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सामाजिक न्याय की। तो ये आपने आज जो मुद्दा उठाया है बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और इसमें तो लोगों को एजुकेट करना चाहिए था, हमारे जो लीडर्स हैं या माइनॉरिटीज के लीडर्स हैं उनको ये बताना चाहिए था, लेकिन बजाय बताने के मैंने देखा, मैं लखनऊ में था उस वक्त,
तो एक वकील साहब तैयार हुए, उन्होंने बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी बना दी, नाम सब जानते होंगे आप उनका। और वो बाबरी मस्जिद को नहीं बचा पाए, लेकिन मुसलमानों के लिए एक नई मुसीबत और उन्होंने खड़ी कर दी, क्योंकि उन्होंने डायग्नोज नहीं किया बीमारी। उनकी समझ में नहीं आया कि ये बीमारी सामाजिक न्याय की है, और सामाजिक न्याय में मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए था, सिखों को आगे आना चाहिए था, ईसाइयों को आगे आना चाहिए था, और कम से कम इतना तो कह सकते थे, वो खुद ना मांगते, इतना कह सकते थे कि भाई ये दलितों का, ये पिछड़ों का अधिकार है, बिल्कुल इनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि समस्याएं जब उलझती हैं, जो साहू जी ने कहा है कि जो पढ़ने पढ़ाने का अधिकार दिया गया एक जाति विशेष को, खाली पढ़ने का अधिकार होता तो ये समस्या इतनी ना उलझती। पढ़ाने का भी अधिकार उसको था, वही एक्सप्लेन करता है, तो वो कंफ्यूज, जब उसके स्वार्थ इतने ज्यादा हैं तो वो कंफ्यूजन फैलाने में महारत हासिल कर रखी है उन लोगों ने। अब इस महारत में कभी वो शुद्ध हिंदुत्व का शुद्धिकरण के लिए आर्य समाजी बन जाते हैं, कभी योगी राज बन जाते हैं, कभी वो आरएसएस का एक नया राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन लेते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते। अगर सामाजिक न्याय की समस्या सॉल्व हो गई होती, ये देश कहीं से कहीं पहुंच गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी जी देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने इस बात को अच्छे से डिफाइन किया है। मैं भाटिया जी सर के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि विश्व के अनेक देशों में आम जनता के लिए वहां भी प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो जिस ढंग से एक बड़े देश में अमेरिका दुनिया सबसे बड़ा शिक्षित देश आता है, और वहां दुनिया के तमाम देश के लोग वहां पे है, और वहां पे यहाँ तक कि भारत के जो लोग गए हुए हैं उनको भी वहाँ प्रतिनिधित्व का मौका मिला है, वो वहाँ पार्लियामेंट में बने हैं, आज अमेरिका में मिनिस्टर भी बने हुए हैं। तो इस संदर्भ में मैं भाटिया जी का विचार जानना चाहता हूँ कि इस संदर्भ को भारत की परिस्थिति के आधार पे और विश्व के परिदृश्य के आधार पे इस प्रतिनिधित्व को, रिजर्वेशन को क्या समझते हैं? भाटिया साहब अपने आप को इम्यूट करें सर। जी देखिए, मुझे संविधान, इंडियन के संविधान के बारे में तो कुछ ज्ञान नहीं है, मैं ये नहीं जानता हूं, क्योंकि ना ये हमने, जब तक हमारी पढ़ाई पंजाब में हुई तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी ना जी। तो बाकी ये समस्या जो है उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जनरल इंफॉर्मेशन है, आइडिया है कि रिजर्वेशन हिंदुस्तान में होती है। जैसे ब्रजेंद्र सिंह ने कहा अभी के भाई, आपकी अगर आबादी परसेंटेज 80-90% है तो फिर 80-90% आपके लोग शिक्षा क्यों नहीं पा सकते, इसमें नंबर लिमिट करने की क्या जरूरत है? तो ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस लॉजिकल है ना। जहां तक इन देशों का सवाल है, वेस्टर्न देशों का सवाल है, यहाँ तो पढ़ाई, मैंने आगे पहले भी कहा था कि हाई स्कूल जो 12 साल का हाई स्कूल होता है उसमें सबको 100% लोगों को, 100% लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार है। इनफेक्ट नॉट ओनली अधिकार ही नहीं है, ये पब्लिक स्कूल सिस्टम है जिसमें कोई फीस नहीं लगती, फ्री है सारा कुछ, वहां तक सिर्फ किताबें भी दी जाती हैं कुछ प्राइमरी मिडिल स्कूल तक, और कागज पेंसिल भी तक वहां मिल जाते हैं। और इतना भी क्या, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो थोड़ा गरीब वर्ग के हैं, उनको दिन में एक बार खाना भी मिलता है स्कूलों। तो ये जो सिस्टम यहाँ पर है एजुकेशन का, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। बाकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, सोशल समस्याएं हैं, जैसे हमारे देश में अंदर जो मैं अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं या काले लोग कहते हैं, उनमें भी अभी शिक्षा पूर्ण तरह नहीं आई, और जो मैक्सिमम परसेंटेज है 30-40% बच्चे जो सफेद नहीं है वो हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फैमिली सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, घरों में जॉब नहीं है, और सोशल जस्टिस यहाँ भी अभी पूरा तरह नहीं हुआ है। आप जानते हैं, आपने पढ़ी होगी अखबारें, ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे जैसे होता है, अभी भी है, अभी आप जेलों में जाइए तो बहुत परिषद जो है लोग वो वही कलर्ड लोग हैं,
तो अभी भी सोशल जस्टिस यहाँ भी इस कंट्री में पूरा नहीं है, लेकिन जहां तक शिक्षा का सवाल है, हक सबको है और गवर्नमेंट चाहती है कि हर इंसान हाई स्कूल तक शिक्षित हो, तो हाई स्कूल की एजुकेशन यहाँ की बड़ी एक्सटेंसिव है, काफी भरी एजुकेशन है और काफी बहुत ज्यादातर लोग हाई स्कूल करने के बाद कोई ना कोई अपना बिजनेस, कोई जॉब मिल जाती, सब जॉब मिल जाती है अगर कुछ आपने पढ़ाई अच्छी की हो। तो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पर 12 साल का हाई स्कूल गिना जाता है और 12 साल के बाद बच्चा जो 18 साल का हो जाता है तो उसको वोट देने का भी अधिकार मिलता है। तो ऐसा सिस्टम है यहाँ पर, तो यहाँ आरक्षण की कोई बात नहीं है, जैसे आपने कहा रिजर्वेशन की कोई बात नहीं है। तो भारत में बात यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनफैक्ट कुरे साहब ने पहले हमें एक वीडियो भेजा था जो एक स्कूल बना था पटना में जी, जिसमें कम वर्ग के लोग जो थे, कम वर्ग तो नहीं कहना चाहिए, आप तो बहु वर्ग है उन लोगों के एक स्कूल था। तो मैं यही चाहता हूं कि आप ये सब शिक्षा का जो प्रबंध है ना अपने हाथों में लें, अपने स्कूल खोलें, चाहे कोई 4 जमात पढ़ा है चाहे कोई 8 जमात पढ़ा है, वो छोटे छोटे स्कूल खोले, हर इंसान का फर्ज है कि 2-4-6 बच्चों को पढ़ाए बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा जो है वो को बहुत लंबी चौड़ी शिक्षा नहीं है, अक्षर ज्ञान होना चाहिए, पढ़ना लिखना जानना चाहिए और कुछ गणित का अभ्यास होना चाहिए, बाकी उनको शिक्षा चाहिए जीवन की शिक्षा। जीवन शिक्षा ये है कि हर इंसान बराबर है, वो किसी से नीच ऊंच नहीं है और अपने अधिकारों के लिए उसको खड़ा होना चाहिए। ये जो बेसिक शिक्षा है ये हर इंसान को मिलनी चाहिए और उसके लिए कुछ स्कूलों कॉलेजों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए। तो इसका संविधान यही है और बाकी तो मैं यही कहूंगा सबको शिक्षा का अधिकार है, इससे ज्यादा क्या कहूं मैं, आई डोंट नो। हाँ बस इतना ही कहना चाहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने भारत के संदर्भ में और वैश्विक देशों की इस स्पष्टता को आपने स्पष्ट कर दिया है। मैं रूपसा के पास जाना चाहूंगा, रूपसा मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई है वो। मैं दोबारा फिर संतोष साहू जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष साहू जी, आप आवाज आ रही है मेरी? जी जी। रूपसा जी का कनेक्शन हम लोगों से शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा वो जुड़ेंगे तो फिर से उनसे बात करेंगे। जैसा कि अभी भाटिया साहब ने अमेरिका जैसे विकसित देश के एजुकेशन के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ 12 वर्ष तक 12वीं क्लास तक मतलब जो फ्री एजुकेशन है, तो जिस ढंग से उस देश के लोगों को शिक्षा का जो सबको बराबर का हक अधिकार है, तो आज भारत के अंदर में इस एजुकेशन कर आज आरक्षण के संदर्भ पर, जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि 3-4 प्रकार का जो रिजर्वेशन हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों के लिए मिला हुआ है, लेकिन आज भी इस बड़ी आबादी के पास में अगर हम देखें तो आज भी ट्राइबलों में बहुत ज्यादा एजुकेशन का, चाहे वो बस्तर हो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में, चाहे और सरगुजा में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में एजुकेशन का जो स्तर होना चाहिए, जितना बहुसंख्यक समाज के पास में एजुकेशन का पहुंच होना चाहिए, उसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, शिक्षा किसी भी देश के उन्नति का रीढ़ है। भारत सरकार लंबे समय तक जितना बजट शिक्षा के लिए प्रावधान करना था भारत सरकार को, उतना नहीं हो सका। भारत में एक देश में दो शिक्षा अलग अलग यहाँ लागू हो गया, एक समान वर्ग के लिए बेहतरीन साधन संसाधन से लैस शिक्षा की व्यवस्था इस देश में है, दूसरा शिक्षा है इस देश के मूल निवासी बहुजनों के लिए। स्पष्ट एक देश में दो अलग अलग शिक्षा प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में लागू हो गया। उसका ये परिणाम है कि एक तरफ एक बच्चा पूरा साधन संसाधन से लैस है, एक तरफ एक बच्चा पैदल कई किलोमीटर सिर्फ पैदल जाके जमीन में फर्श में बैठ के शिक्षा अध्ययन कर रहा है। तो ये चूंकि आज शिक्षा का ये विषय नहीं है, ये मूलतः ये
आरक्षण प्रतिनिधित्व रिजर्वेशन से संबंधित आज का ये सेशन आपने बताया था, तो मैं उसके ऊपर ही अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये एकदम भारत के लोगों को एक बात शायद सभी बुद्धिजीवियों को तो पता है ही है, कमोबेश देश के लोगों को धीरे धीरे हो रहा है कि भारत में आरक्षण, मूलतः आरक्षण शब्द को लोकप्रिय बनाया गया, तो मैं आरक्षण शब्द का ही उपयोग कर रहा हूँ। हालांकि मैं आरक्षण शब्द कहना उचित नहीं समझता हूँ। इस देश में आरक्षण, कोई हम हवाई जहाज का सीट आरक्षित नहीं किए, कोई हम ट्रेन के सफर में नहीं है, हम इस देश में हमारी संख्या के अनुपात में हमें हमारा हिस्सा चाहिए, हिस्सेदारी का मामला है। प्रतिनिधित्व लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संख्या के अनुपात में थी, लेकिन बाकी संसाधनों में इस देश में हिस्सेदारी का बात है। इस देश में मैं ये बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट, अभी जो भारत की व्यवस्था है वो वर्ग व्यवस्था है। वर्ग व्यवस्था में नंबर एक पे है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का कुल संख्या अभी भारत में लगभग 25 करोड़ के ऊपर है। 25 करोड़ जो लोग हैं उनको भारतीय संविधान मौलिक अधिकार शिक्षा में डाला गया, शिक्षा में आरक्षण है। जब शिक्षा में आरक्षण मिल गया, पढ़ाई हो गई, एजुकेशन हो गया, इसके बाद योग्यता के आधार पे सर्विसों में आरक्षण है। और जब वो सर्विस में चले गए तो संख्या के अनुपात में प्रमोशन में आरक्षण है। ये तीन बात हो गया। फिर दूसरे नंबर पे भारत में अनुसूचित जनजाति है, ट्राइब है, एसटी है, आदिवासी है, ये सब एक ही नाम है, एक ही पहचान है। आदिवासी भारत के अनुसूचित जनजाति का सामाजिक पहचान है, और अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का आदिवासी सामाजिक पहचान है, अब आदिवासी का अनुसूचित जनजाति संवैधानिक पहचान है। इस देश में लगभग 13 से 14 करोड़ इस देश में आदिवासी भाई हैं, उनको इस देश में शिक्षा में आरक्षण है, शिक्षा के बाद योग्यता के आधार पर नौकरी में आरक्षण है, और जब नौकरी में आ गए तो योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर प्रमोशन में आरक्षण है। फिर तीसरे नंबर पर इस देश में वर्ग व्यवस्था के आधार पर ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा में आरक्षण है और नौकरियों का आरक्षण है, पर क्रीमी लेयर के वजह से कमोबेश इस देश में जो हिस्सा उनको मिलना चाहिए, ये कैसा है? राजर्षि साहू जी महाराज का ही उदाहरण हम देना चाहते हैं। आरक्षण को व्यवहारिक रूप से इस देश में अगर कोई सर्वप्रथम लागू करने में कामयाब हुए तो साहू जी महाराज है। वो उनको जब वो 50% शुद्ध अतिशुद्ध रूप समय शब्द था, ये उनको बहाल कर दिया गया, तो उस समय उनको बहुत सारे अपर का ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग समझाने गए कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो अस्तबल में ले गए। लंबी बात है, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ, जो समझाने आए थे उन्हीं को ले गए और पहले बोले कि पूरे चना एक जगह डाल दिया गया और अस्तबल को खोल दिया गया, सारे घोड़े दौड़ के आ गए। जो हिस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त घोड़े थे वो चना तो खा रहे हैं, उसको इधर उधर भी बिखर रहे हैं, पर पीछे जो कमजोर घोड़ा है उसको दुलत्ती भी लगा रहे हैं। तो साहू जी महाराज इतने विद्वान थे, व्यवहारिक रूप से वो सारा चीज समझते थे। जो समझाने गए थे उनको दूर से बताया कि ये देखो, जो हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त है वो तो चना खा ही रहा है, चना को बर्बाद भी कर रहा है, और जो कमजोर है वहां तक नहीं पहुंच रहा है, उसको दो लात भी लगा रहा है। इसलिए इस देश में मैं शूद्र अति शूद्रों को प्रभाव से अपने रियासत में सभी शासकीय सेवा में 50% आधा प्रशासनिक पदों पे मैं दे दिया हूँ, जो दे दिया दे दिया, और यही भारत में सामाजिक रूप से लोगों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम होगा। तो ओबीसी, ओबीसी को शिक्षा में आरक्षण है, नौकरी में भी है, लेकिन प्रमोशन में नहीं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को नौकरी में भी आरक्षण है, शिक्षा में भी है और प्रमोशन में, पर ओबीसी को शिक्षा में है, नौकरी में है, पर प्रमोशन में नहीं है। अब आए सामान्य वर्ग, सामान्य वर्गों के आरक्षण व्यवस्था के कारण वर्तमान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी हर मामले में पिछड़ गए। उसकी भरपाई भारत का संसद भी स्वीकार किया कि उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते, पर कुछ रियायत दे सकते हैं भारत के मुख्य धारा में लाने के लिए। और वो आदिवासी हजारों साल जंगल में भटकते रहे, शेड्यूल कास्ट के रूप में, अछूत के रूप में भारत का पांचवा हिस्सा बहिष्कृत रहा,
उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन हम रियायत देकर भारत के मुख्य धारा में ला सकते हैं। तो ऐसा समान वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं मिला? उनके पास अभी भी, आप पूरे देश में सर्वे करिए, पर्याप्त शिक्षा है, देश का आधा से ज्यादा संपत्ति उनके पास है, जमीन को देखिए, उद्योग धंधे को देखिए, उनके पास जो जीवन शैली, अंग्रेजों ने माना था कि इस देश में जब छानबीन हुआ तो अंग्रेजों की तरह ठाट बाट से जीने वाले लोग कौन थे, तो ये पता चला कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं जो अंग्रेजों की तरह शानो शौकत से जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास भूमि है, उनके पास शिक्षा है, तो इसलिए उनको सामान्य घोषित किया गया। इसके बाद पांचवा वर्ग है भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यकों में पांच धर्म के लोगों को एक पहचान मिला, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम के रूप में, सिख के रूप में, ईसाई के रूप में, बौद्ध और जैन, ये संख्या के अनुपात में इसका एक क्रम है। तो भारत के 135 करोड़ लोग पांच वर्ग में हैं, और ये वर्ग हजारों जाति उपजाति को सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो समानता रखते थे उनको, और जो विशेष विशेष पहचान था वो सबको मिला के पांच पहचान दिया गया। और पांच के बाद अब तो इस देश में ज्ञान और विज्ञान के विकास के कारण इस देश में डीएनए के आधार पे या तो लोग देसी हैं या विदेशी हैं, उसका भी बात पूरे देश में चल रहा है। मैं इस मौके पे मुख्य बातें कहना चाहता हूं कि भारत का जो आरक्षण है उसको भ्रामक ना बनाया जाए। भ्रामक बनाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि भारत में जो आरक्षण आरक्षण, क्योंकि आरक्षण शब्द ही भ्रामक है, प्रतिनिधित्व की बात है, और ये प्रतिनिधित्व संख्या के अनुपात में है। और जिन लोगों ने अपने आरक्षण व्यवस्था के कारण 90% लोगों को हर साधन संसाधन, ज्ञान से इस देश के 90% लोग कट गए, विज्ञान से कट गए, जीवन किस तरीके से जीना पड़ा, ये वर्णवादी आरक्षण व्यवस्था की वजह से, वर्णवाद, वर्ण जो व्यवस्था है वो बहुजनों के लिए मरण व्यवस्था है। जब वर्ण व्यवस्था था तो 90% लोगों के लिए मरणासन स्थिति थी, पूरे हजारों एविडेंस है उसके। तो मैं इस मौके पे ही कहना चाहता हूं कि भारत में आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व की बात संख्या के अनुपात में है, और ये किसी के रहमोक्रम पे नहीं है। हमारी जो जिस वर्ग में हम हैं उतना हमारा हिस्सा है, हमारा स्पष्ट पहचान है, और वो जैसे हम अगर शेड्यूल कास्ट हैं तो हम अभी भी हम सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, और अभी भी देश भर में हमारे साथ अछूतपन का व्यवहार किया जा रहा है, कौन नहीं जानता है। हम अगर इस देश में अनुसूचित जनजाति हैं, आदिवासी हैं, तो अनुसूचित जनजाति के नाम पे हमारा अभी भी हम सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, अभी भी हम में कबीलाई गुण है। अगर हम आज इस देश में अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में हैं तो अभी भी पिछड़ी जाति में 3743 जाति को मिला के एक पहचान दिया गया, अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट मूल शब्द है। तो अभी भी इस देश के जो बहुसंख्यक हैं, जो 52% से ऊपर हैं ओबीसी के लोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, तो अभी भी हम शिक्षा में पीछे हैं, सामाजिक रूप से हम पिछड़े हैं। हाँ ये जरूर है कि शुरू से हमारे हाथ का पानी मनुवादी व्यवस्था या ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मैं दो बात यहाँ एक साथ बोला उसको भी मैं बताना चाहता हूँ। वर्ण व्यवस्था को बनाने वाले चलाने वाले ब्राह्मण थे, इसलिए वो उसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था बोलते हैं, पर जाति की व्यवस्था मनु के व्यवस्था के बाद आया, इसलिए उसको हम मनुवाद बोलते हैं। तो इस देश में ब्राह्मणवाद मनुवाद के व्यवस्था के कारण 90% लोग हर तरीके से पिछड़ गए थे, उनको कुछ रियायत देकर भारत के मुख्य धारा में लाने का ये प्रयास है। इसमें किसी को, बल्कि सामान्य वर्गों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ आपके वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से, कि जितना जल्दी हो सके इस देश में सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से लोग जब बराबर आएंगे तो ये देश खुशहाल होगा, विकास करेगा, भाईचारा बढ़ेगा, ज्ञान और विज्ञान में भारत विश्व में आगे आएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप मुझे थोड़ा ज्यादा समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत जी जी जी। मैं दोबारा फिर ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी मेरे ख्याल से जी आ गए आप कैमरा में। जिस दिन से बाबा साहब ने भारत के अंदर में संविधान में ऐसे हक अधिकार दिए रिजर्वेशन को लेकर, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, जैसा कि आप इस संबंध में सामाजिक आरक्षण के संबंध में उसकी व्यवस्थाओं के संबंध में व्याख्या तो कर दी है, लेकिन जिस ढंग से संतोष साहू जी ने अभी ओबीसी की जो 52% की बात करी,
एससी एसटी के अनुपात में बात करी तो कांसीराम साहब ने कहा था कि अपने जीवन काल में कि जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, ये प्रतिनिधित्व की बात उन्होंने इस देश के अंदर में गांव गांव गली गली घूम करके अपने उस मिशन के दौरान ये बातें उन्होंने कही। और इस बात को लेकर के बहुसंख्यक समाज के अंदर में लगा कि भाई हमारा जो बहुसंख्यक लोगों का हक अधिकार है, ये बाबा साहब के इस रिजर्वेशन के बावजूद भी हमारे हक अधिकार को कौन खा रहा है। मैं इस संदर्भ में ब्रिजेंद्र सिंह जी के विचार जानना चाहता हूँ। ब्रिजेंद्र सिंह जी अपनी बात रखते हैं। जी बिल्कुल, ये कांसीराम साहब ने नारा दिया था उस वक्त जब ये बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो ये मंडल कमीशन के इफेक्ट में कमंडल में डालने के लिए ही वो किया गया था। और उस वक्त मैंने बड़े निकट से देखा कि लोग इतने मतलब इस हालत में थे कि कोई रीजन बातचीत करने को तैयार नहीं था, जय श्री राम का नारा लगता था। तो माया कांसीराम साहब ने नारा दिया था उस वक्त, धन धरती शिक्षा सम्मान लेके रहेगा हर इंसान। और दूसरा नारा दिया था जय श्री राम के खिलाफ कि मिले मुलायम कांसीराम हवा हो गए जय श्री राम। उस 1992 में कोई कल्पना नहीं कर सकता था इस नारे का क्या असर होगा, 1992 में ये कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन आपने देखा होगा 1992 में भाजपा के बोरी बिस्तर बंद हो गए थे और सिर्फ ये हुआ था कि उस नारे से मिले मुलायम कांसीराम, मुलायम कांसीराम का मतलब ओबीसी और दलित इकट्ठे हो गए, हवा हो गए जय श्री राम। तो दलितों की समझ में आया कि जय श्री राम हवा हो सकते हैं, हवा कर दिए उन्होंने। लेकिन असली जो बीमारी है जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जातिवाद कहते हैं, मनोवाद कहते हैं, नए नए नाम देने का मतलब नहीं है, असली बात यह है कि उसने एक दिमागी गुलामी पैदा की है। और वो दिमागी गुलामी पैदा की है शिक्षा से वंचित करके। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 साल इंतजार करने के बाद लास्ट में आपने देखा था 1956 में धर्म परिवर्तन का आयोजन किया था, लाखों आदमी करीब 5 से 10 लाख तक कन्वर्ट किए थे। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता कि किसी लीडर ने 24 घंटे में यह इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाया हो। तो वो आप जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कोई गीता लेकर के बिरला मंदिर में तो घूमते नहीं थे, उन्हें कोई धर्म भरम का ना यूज करना चाहते थे इस कामों के लिए, प्योरली वो पॉलिटिकल आदमी थे। लेकिन जब उन्होंने लगा कि भाई ये दिमागी गुलामी जब तक नहीं जाती तब तक ये भले ही मुलायम कांसीराम इकट्ठे हो जाए फिर लड़ने लगेंगे, ये बात बाबा साहब ने उस वक्त समझ ली थी कि जब तक ये वर्ण व्यवस्था का असर रहेगा, जातिवाद का असर रहेगा, ये जो गरीब लोगों को कुत्तों की तरह लड़ाने का इंतजाम इन्होंने कर रखा है हमारे शासक वर्ग ने। तो इसलिए जो धर्म परिवर्तन का जो आयोजन किया था, मुझे याद आ रहा है इस वक्त अगर समय न हो तो एक मिनट और लेना चाहूंगा, एक कम्युनिस्ट प्रोफेसर के पास में मैं मिलने गया और मेरे प्रोफेसर थे वो, मैं अंदर घुसा बजाय इसके कि उन्होंने ये कहा मुझसे कि बैठिए आइए, न जाने क्या उनके दिमाग में घूम रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि विजेंद्र सिंह यार ये बताओ क्या धर्म परिवर्तन से जाति बदल जाएगी। प्रोफेसर साहब थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे, बड़े सीनियर प्रोफेसर थे। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा सर पानी वानी तो मंगाइए मैं जवाब देता हूँ आपका। तो मैंने कहा कि देखिए जाति तो एक है, मानव जाति एक है, हमारे संतों ने महापुरुषों ने भारत के ही नहीं विश्व के स्तर के, चाहे वो गुरु नानक साहब हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, सब ने मानव जाति को एक माना है सिवाय आपके हिंदुत्व को छोड़ करके, जिसने कि अपने स्वार्थों के लिए लोगों को हजारों जातियों में बांटा है। तो धर्म परिवर्तन से जाति तो नहीं बदलेगी, जाति तो मानव जाति है वो तो रहेगी, लेकिन धर्म परिवर्तन से मानसिकता बदलेगी। तो जरूरत है मानसिकता बदलने की। अब आप कहेंगे देखिए शेड्यूल कास्ट को समझाते रहे कि भाई सुटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, ये आजादी के 50 साल तक समझाते रहे सुटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, जब ये आर्गुमेंट देना मुश्किल हो गया तो उन्होंने आरक्षण को ही खत्म करने की योजना बना दी। लेकिन उनकी मानसिकता नहीं बदली, मुखौटे तो बदल गए मानसिकता नहीं बदली। तो इसलिए बाबा साहब का जो मुख्य बात थी कि शिक्षित बनो, आप इतनी शिक्षा दो आम आदमी को, खास कम से कम बुद्धिजीवियों को, कि वो मुद्दों को ठीक से समझें और उसका इलाज करें। तो ये बड़ा गंभीर मसला है और ये मसला सीधा सामाजिक न्याय से, यानी सीधे शब्दों में भागीदारी से मतलब है, जो लोकतंत्र के प्राण होते हैं, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी हो, चाहे शिक्षा में हो, सत्ता में हो, संपत्ति में हो, अगर ये भागीदारी नहीं होती तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं हो सकता, ना संविधान सुरक्षित है।
तो बड़ा गंभीर मसला है। धन्यवाद जी। जी मैं क्योंकि हमारा कार्यक्रम भी समाप्ति की ओर है और हम इस कार्यक्रम को ज्यादा लंबा विषय ना देते हुए जो सारगर्भित बातें हैं वो तो आ चुकी है, मैं भाटिया जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, जिस ढंग से वैश्विक देशों में शिक्षा को लेकर, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उनका ये नारा था और उनको ये मालूम था कि जब ये मेरा समाज शिक्षित बन जाएगा तो अपने हक अधिकार को ले सकता है, तो इस संदर्भ पर मैं आपकी व्याख्या को लेकर के जाना चाहूंगा कि भारत के परिस्थिति में आज भी हमारे लोगों को, जैसा कि साहू जी ने कहा कि यहाँ पे जो शिक्षा की नीति है वो दुरतरफा है। एक तरफ बहुसंख्यक लोगों के लिए सरकारी स्कूल है जहाँ मिड डे मिलते हैं, बच्चे वहां के खा करके जाते हैं, लेकिन वहां का जो पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है वो बिल्कुल निम्न स्तर का है। वो 8वीं 9वीं 10वीं तक के लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, उनको ठीक से हिंदी पढ़ना नहीं आता, तो जब आदमी को पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो वो किस दिशा में जा सकते हैं? और इस जो एजुकेशन को लेकर भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में थोड़ी अपनी विचार को रखें, ताकि जिस ढंग से बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनने के बाद में लोग अपने हक अधिकार को ले सकते हैं और यही उनका मूल मंत्र था, तो मैं इस संदर्भ में आपके संक्षिप्त विचार जानना चाहूंगा, उसके बाद में एक एक मिनट में सभी मेहमानों का हम विचार लेंगे, उसके बाद में इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। देखिये, आप सबने पहले कह दिया है, सिंह साहब ने कहा है, बिजन सिंह जी ने, क्योंकि शिक्षा जो है इंसान को जीवन शिक्षा के साथ जोड़ती है, आपको सोचने का मौका मिलता है और वो अपने अधिकारों को समझ सकता है, वो कुछ लोगों की कूटनीतियों को समझ सकता है। मैं आपको, अभी मैंने सवेरे एक वीडियो सुना महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, जब पंजाब में एक देश था महाराजा रणजीत सिंह के साथ, उन्होंने अपने छोटे से काल में पंजाब में 100% एजुकेशन कर दी थी, 100%। और उसका सिस्टम क्या था, बड़ा ब्रीफली कहूंगा, ये कायदा था, छोटी सी किताब जिसमें 3-4 भाषाएं थी, गणित था, और उनका ये था कि हर पंचायत में, हर गांव में उनको ये फैलाना था, और हर आदमी जो एक कायदा लेता है उसको उसके और 10 कायदे बनाए और दूसरे बच्चों को दे, और जो जो पढ़े वो सीधा महाराजा को रिपोर्ट करते थे। तो जब इंग्लिश लोग आए तो उन्होंने ये देखा कि पंजाब में तो इतनी शिक्षा हो गई है, तो उनका सबसे पहला जो काम था उस शिक्षक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना था। तो उन्होंने हर आदमी को ये ऐलान कर दिया कि जिसके साथ भी कोई भी वो बुक है, कायदा कहते हैं उर्दू में, उसको 6 आने दे के उनको खरीद लिया गया। और उसने फिर 33 साल के बाद ये रिपोर्ट दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आज जो पहले मैं शुरू किया था 100% एजुकेशन थी, अब सिर्फ 11% एजुकेशन रह गई है। तो उनका जो मेन पर्पस था ब्रिटिश का पहले, टू डिस्ट्रॉय द एजुकेशन सिस्टम। तो ये एजुकेशन सिस्टम को आप लोगों को ये जो है रीइंस्टेट करना होगा, चाहे कैसे भी करें, सोचे कैसे करना है, बातें कर सकते हैं लेकिन करना क्या है, उसका संविधान क्या है, वो करना चाहिए। हमें इस शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाना है, ये बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल यही कहूंगा कि भाई शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आपकी अगली जनरेशन जो है, नई पीढ़ी है, वो अपने आप को समझ सके, विचार कर सके, विचारवान हो सके, पढ़ना लिखना जाना चाहिए। तो यही कहूंगा जी। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने महत्वपूर्ण बात को सार शब्दों में रख दी है। मैं संतोष साहू जी के पास में समथिक विचार को लेकर जाना चाहूंगा कि संतोष साहू साहब, आप इस विषय को लेकर अच्छा अनुभव है और आप कानून के ज्ञाता भी हैं, भारत के संदर्भ में हम आज इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारत के बहुसंख्यक समाज के लोगों को जितना हक अधिकार इस रिजर्वेशन में बाबा साहब ने दिया था वो उतना मिलना चाहिए, वो क्या लोगों को मिला या नहीं मिला,
इसका कारण और निदान के संदर्भ में अपनी बात रखें। जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयास से जो प्रतिनिधित्व की बात थी शेड्यूल कास्ट को, अभी जो हिस्सा शिक्षा में नौकरी में मिलना चाहिए था, राजनीति में तो मिल गया, लेकिन शिक्षा और नौकरी और नौकरियों में प्रमोशन में जिस अनुपात में मिलना था वो अभी भी नहीं मिल पाया है। पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में 15% चाहिए था, अभी भी वो बराबर नहीं है, चाहे क्लास वन हो, क्लास टू, क्लास थ्री, फोर, जो भी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जज का भी स्थिति देखें तो वहां भी वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। शेड्यूल ट्राइब का भी ऐसा ही कुछ कमोबेश स्थिति है, संख्या के अनुपात में जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं मिल पाया। ओबीसी का तो और भी बड़ा खराब स्थिति है, कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट से ही ये पता चलता है। हमारे बहुत नजदीकी माननीय शरद यादव जी रहे और मैं दिल्ली में जब उनसे मिला था तो वो मुझे एक वो सूचना के अधिकार में निकाले थे एक जानकारी कि भारत के सर्वोच्च जो संवैधानिक संस्थाएं हैं राष्ट्रपति भवन से लेकर आईएएस तक में ओबीसी की क्या स्थिति है। तो बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 5-5.5% भी प्रतिनिधित्व क्लास वन, क्लास टू ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे ओबीसी के लोग नहीं हैं। और इस देश में मैं एक बात मुझे बहुत दिल को छूने वाली बात है माननीय विजेंद्र सिंह जी के द्वारा कि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय क्या है, ये क्यों होना चाहिए, अगर भारत में सामाजिक न्याय अगर पूरी ताकत से स्थापित किया जाए तो कितना बड़ा क्रांति भारत में हो सकता है। तो सामाजिक न्याय की तरफ लोगों का ध्यान जाना चाहिए। और मैं माननीय भाटिया जी जो एक बात जोर देकर जो कहे कि हमें शिक्षा को किसी कीमत पे, भारत चूंकि गांवों का देश है और हमें शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा, और ये सब मिलजुल कर टीम वर्क से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकार, हमारे जहां भी प्रतिनिधित्व हैं उन लोगों के माध्यम से भी ये शायद हो, अगर वो ना करें तो ऐसे बुद्धिजीवियों के माध्यम से पहल होगा। मैं आखिरी में एक बात बस कहना चाहता हूँ कि भारत में जो 5 वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल और धार्मिक अल्पसंख्यक, इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 2 वर्ग को राजनीतिक आरक्षण है, बाकी ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं है। और इसके इसके जिम्मेदार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है। ओबीसी को आज जो हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो मैं ओबीसी का आदमी हूं, मैं पूरे दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओबीसी अपने हकों के लिए कभी भी सड़क में आके आंदोलन नहीं कर रहा है, बल्कि ओबीसी की लड़ाई इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, इसके बहुत सारे प्रमाण है मेरे पास। तो ओबीसी के भाई जहां भी हैं, हम किसी का हिस्सा हमें नहीं चाहिए, हमारे संख्या के अनुपात में हमारा जो हिस्सेदारी देश में है, राज्यों में है, वो हमें मिले। और ये हिस्सेदारी दिलाने में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और धार्मिक अल्पसंख्यकों के भाइयों का जो मदद मिल रहा है, उसका ओबीसी के लोगों को पूरा साथ सहयोग लेकर अपना हक के लिए आंदोलन तेज करना चाहिए। इस मौके पे मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। अधिक मैं विजेंद्र सिंह जी के पास लास्ट प्रतिक्रिया रूप में जाना चाहूंगा और उसके बाद में आज के हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। विजेंद्र सिंह जी, जैसा कि आपने भाटिया जी को विचार को सुने, संतोष साहू जी के विचार को गंभीरता से सुन रहे थे, तो भारत के संदर्भ में जो हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों को जो एक राइट मिला हुआ है संविधान में, उस हक अधिकार को शिक्षित बनो, संघर्ष करो और अपने हक अधिकार को लो, जो बाबा साहब का मुख्य सोच रहा है, इस संदर्भ में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया विजय सिंह साहब जी। बहुत अच्छा भाटिया जी ने भी कहा है और मैं भी हृदय से सोच रहा हूँ और साहू जी भी यही कहना है कि ये जो जब तक चेतना नहीं आती लोगों में और जब तक शिक्षा के लिए अभियान नहीं चलाया जाता तो वो अधिकार खाली मांगने से नहीं मिल सकते। और ये शिक्षा के लिए मुझे अभी कुछ खबरें जैसे आई थी, आपने देखा होगा कि एक यहाँ पर एक दिल्ली में एक मंदिर है अक्षरधाम, 100 एकड़ में बना हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के बगल में,
जहां सांस लेने की जगह नहीं है लोगों के लिए, वहां न जाने ऐसे कितने मंदिर बनाए, चलो वहां बने, आप कहते हैं शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, उसी संस्था ने 1600 मंदिर, मुझे तो ताज्जुब हुआ, एक IAS एकेडमी की एक एक वीडियो में देख रहा था, 1600 मंदिर सारी दुनिया में बनवाए हैं, ये पैसा इन गरीबों का खून और पसीने की कमाई को इस काम में लगाया जा रहा है शिक्षा के शिक्षित देने के लिए, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, दिमाग को ध्यान बटाने में सब लोग इंटरेस्टेड है, इसलिए हमारा हमको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। और ये राष्ट्रीय समस्या नहीं है, ये मानव अधिकारों की समस्या है, तो जितने भी मानव अधिकारों की संस्थाएं हैं या जो रेस्पेक्ट करती हैं ह्यूमन राइट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे जुड़ना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से जो बुद्धिजीवी समझदार लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, और शिक्षा को सर्वोपरि महत्व इसी स्पिरिट में देना पड़ेगा जिस स्पिरिट में बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। मुझे एक सेकंड और मौका दें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जो सब कह रहे हैं मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो आप गवर्नमेंट पे डिपेंड करेंगे ना, वो हमको स्कूल बना के देगी तब हमारी शिक्षा होगी, वो नहीं हो पाएगा। आपको अपने घर ग्रामीण लेवल पर, घरेलू लेवल पर शिक्षा का प्रबंध करना हो, बिल्कुल, जिसे कहते हैं ग्रास रूट लेवल एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, जो माता पिता है चाहे दो क्लास पढ़े हैं, जो कुछ जानते हैं, बच्चों को उस लेवल तक पढ़ाएं, तभी वो जागृति हो सकती है। फिर वो ग्रामीण लेवल पर, तो उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आपको अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ेगा, चाहे एक पेड़ के नीचे बैठ के आप बच्चों को पढ़ाएं, जैसे भी हो, ये हर एक पेरेंट का फर्ज बनता है, हर एक समाज में एक जो लीडर है उसका फर्ज बनता है। इतना कहूंगा बस जी, बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम को और इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के सभी मेहमानों ने बहुत विस्तार से और अपनी ज्ञान की बातों को और अपने अनुभव की बातों को हमारे देखने सुनने वालों के सामने रखा है। हम इस ज्वलंत मुद्दा को लेकर आज के इस भारतीय परिवेश में, भारतीय संदर्भ में एक संवैधानिक विचारधारा को हमने रखा है, इसमें किसी जाति धर्म के लोगों को किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा ये आशय नहीं है। हम अपने इस विचार को, इस मंथन को लोगों के सामने एक सच्चाई के रूप में जो बीत रही है उस संदर्भ में हम लोगों ने इस चर्चा को लाया है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को में आकर के अपनी कीमती समय देकर अपने विचार रखे बृजन सिंह जी, जो पूर्व IPS अधिकारी हैं, DGP रहे हैं, रिटायरमेंट हुए हैं और आगरा उत्तर प्रदेश के एक बड़े राज्य से बिलोंग करते हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और छत्तीसगढ़ से एडवोकेट संतोष साहू साहब का, जो OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को यही हम समाप्त कर चाहते हैं और आने वाले समय में हम फिर और कोई ज्वलंत मुद्दा को लेकर इस डिबेट में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता से जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। और आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करना चाहते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय भीम।